चलते चलते बहुत ही सुंदर सा एक रास्ता आया था, तो मन किया कि बाहर आए थोड़ी देर एंजॉय करें यहीं पे। देखिए बहुत ही ऑथेंटिक काठियावाड़ी खाना, बाजरे की रोटी, ये कड़ी खट्टी मीठी काठियावाड़ी। खाया तो कुछ भी नहीं खाया सच में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिल एंड कनिका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? मैं होप करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको सभी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। आज सैटरडे है, थोड़ा जुकाम हो गया, इसको काम मेरे को कम था आज, तो सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। बारिश नहीं है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, तो घूमने चलते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जी चलते चलते बहुत ही सुंदर सा एक रास्ता आया था, तो मन किया कि बाहर आए थोड़ी देर एंजॉय करें यहीं पे। देखिए बहुत ही सुंदर हो चुका है अभी इस मौसम में, तो मज़ा ही आ गया देखने में। देखिए एक छोटा सा पैच है यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है और अभी बारिश के मौसम में तो मज़ा ही आ गया। तो जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत दिनों से हम लोग प्लान बना रहे थे कि यहाँ आएंगे और खाना खाएंगे। लंच करने हम लोग आए हैं आज काठियावाड़ी खाना खाने, काठियावाड़ी माने गुजराती खाना खाने आए हैं। आपको दिखाते हैं और चलिए एंजॉय करते हैं। तो जी अंदर आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं अपने खाने का। और यहाँ पे यहाँ का स्पेशल ये लहसुन की चटनी होती है, और ये एक तो नींबू का अचार होता है और एक ये अलग तरीके की चटनी होती है खट्टी मीठी। तो सैलेड आ गया है यहाँ पे, देखो स्प्राउट्स भी देते हैं साथ में, और तड़के वाली मिर्ची और पत्ता गोभी। वेट करता है कि मसाला पापड़ आ चुका है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ स्टार्टर में यहाँ पे ये चीज़, मज़ा आ जाता है खा के। जी खाना आ चुका है, ऑथेंटिक काठियावाड़ी खाना, बाजरे की रोटी, यह है कड़ी, खट्टी मीठी कड़ी होती है, दाल, और यह है मिक्स वेज, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये तो लगी पड़ी है, कैसे खाना? बहुत टेस्टी, इन्जॉय कर लेंगे बड़ी जी। खाना वाना हो गया है, मज़ा आ गया, मज़ा बहुत ज़ोरदार। मतलब मैं तो यही कहूँगा जिसने ये वाला खाना नहीं खाया ना, लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अच्छी जगह से, मज़ा आ गया। अब चलते हैं घर। तो जी कनिका जी, मतलब क्या रहा बताओ, आप रिव्यू बताओ आप काठियावाड़ी। मैं तो देख पहले भी खाया हुआ है, एक बार तो सबको खाना ही चाहिए। तेरे को कैसा लगा? वो मैंने आज तक नहीं खाया ऐसा। देखो जी सीधी बात, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से आपको हर एक ट्रेडिशन का खाना जरूर खाना चाहिए, भले जिंदगी में एक बार खाओ, लेकिन ये तो बहुत, मैं पूरे मन से आपको कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जरूर जरूर खाना चाहिए काठियावाड़ी। ये खाया तो कुछ भी नहीं खाया सच में। ये वो पंजाबी खाना अपनी जगह है, लेकिन ये चीज बहुत अलग है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो जी घर पहुंच चुके हैं और एक बारी चेंज वेंज करके मिलते हैं। तो जी चेंज वेंज कर लिया था, अब चाय आ गई है, चाय सिर्फ मैं पी रहा हूँ, कनिका का मन नहीं है अभी, पता नहीं थोड़ा नींद में है लगता है, रंग में है, रंग में। तो और बिग बॉस देख लेते हैं साथ में, एंजॉय कर लेते हैं। तो जी रील शूट हो चुकी है और हम फ्री हो गए थे सभी काम वाम से, और अब खाने की करते हैं। बहुत तेज भूख लग रही है लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है खाएं क्या। क्या खाएं? आलू खिलाएगी? हाँ रोटी, आलू, आलू रोटी, ठीक है। खाने की तैयारियां चलते हुए कनिका जी बना रही है रोटियां, और ये आलू की सब्जी गरम हो रही है, मैं आज खाऊंगा, मैंने कल खाई नहीं थी। और आज हम दिन में, आपको पता, लंच करने बाहर गए थे,
तो अभी इंजॉय करते हैं। कितनी देर है? 5 मिनट। तो जी खाना आ चुका है, खाना खा लेते हैं, आलू की सब्जी और रोटी। और कनिका तो शुरू हो चुकी है एज यूजुअल, और थोड़ा बिग बॉस देख लेते हैं और फटाफट से वापस आते हैं। मेरे को तो इस सब्जी में पाव भाजी वाली फीलिंग आई, मतलब जो भाजी होती है उसकी। ब्रेड पड़ी थी, रोटी खा ली, तो 2 ब्रेड सेके घी में, और मैं पाव भाजी की फीलिंग ले रहा हूँ। और कनिका तो और भी बड़ा काम कर रही, दिखाता हूँ, वेट आ जा जल्दी। ये देखो जी, मैंने ये खाया ही नहीं। केक लाई है अपना, वही वाला ना, कल वाला। व्हाट इज ये, खा लो, चलो जी खा लो। तो जी जो वीकेंड की रात की चाय होती है ना, उसकी बात और ही होती है। लेट नाइट चाय का जो मज़ा है वो एक चाय लवर ही समझ सकता है। कमेंट डाउन करके बताना कि चाय इज़ लाइफ, जिसके लिए भी वो है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना भाई। हमें तो बहुत मज़ा आता है, और जिस दिन ये पता हो कि अगले दिन कहीं नहीं जाना, छुट्टी है, हम रात को लेट चाय ज़रूर पीते हैं। तो चाय पीते हैं और आते हैं। तो जी खाना वाना हो गया, चाय वाय पी ली है, तो आज का कंटेंट यहीं तक रखते हैं। बाकी कल मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, नई कंटेंट के साथ। और कल तो वीकेंड है, माने संडे, तो संडे को आराम से उठेंगे, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।